हेलो एवरीवन दिस इज सविता कैसे एंड आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद सोशलॉजी का फर्स्ट चैप्टर तो मैं चाहूँगी कि तुम लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं इस वीडियो में क्योंकि ये समाज है यार समाज में बातें होती रहती हैं तो समाज के बारे में बात करने में क्या बुराई है इसलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग समाज के ऊपर मतलब हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स सब कुछ पढ़ने वाले हैं हमारे समाज पर तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना सोशोलॉजी एंड सोसाइटी ठीक है हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बातें करेंगे सिंपल से कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना वैसे प्रॉब्लम हो होना because हम सिर्फ करने वाले हैंजी एंड सोसाइटी से स्टार्ट करें मतलब अगर चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर में ये सारी चीजें होने वाली है जो तुम्हारी स्क्रीन पे विजिबल है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है देन सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एक टॉपिक है जिसके बारे में हम तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे देन है हमारा इंदिरा आवास योजना प्लूरलिटीज़ एंड एकवालिटीज़ ये सारे टॉपिक्स क्या हैं वैसे तो बोलने में ज़्यादा समझ नहीं आएगा बट ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं या बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स पे ठीक है कुछ भी मिस नहीं होगा एकदम लाइन बाय लाइन ही समझ लो तो बात स्टार्ट करते हैं हमारी समाज के बारे में तुम लोग समाज के बारे में क्या जानते हो क्या है सोसाइटी एज अ होल देखो डेफिनेशन पे जाए तो तुम लोगों को अल्टीमेट आंसर्स लिखने हैं पर ठीक है बट मेन uh, क्या है तुम लोगों को समझना कि सोसाइटी होता है क्या है सोसाइटी एक ऐसी जगह है इस पिक्चर के थ्रू तुम्हें समझ में आ रहा होगा सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग एक साथ आकर रहते हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो कॉमन बिलीव रखते हैं यानी कि सपोज़ एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही चीज़ों को मानते हैं मतलब अधिकतर उनकी जो रिलीजन है वो एक होता है जैसे हिंदू के ग्रुप्स हो गए या फिर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली बिलोंगिंगनेस शेयर करते हैं यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल के रहते हैं उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं सेम जगह पर सेम टेरिटोरियल एरिया पर रहते भी हैं तो वो समाज कहलाता है बेसिकली अगर डेफिनेशन पे जाए तो यह है तुम्हारा डेफिनेशन जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है कि सोसाइटी क्या है ग्रुप ऑफ पीपल है यानी कि जब बहुत सारे पीपल एक साथ आके किसी जगह पे रहना स्टार्ट करते हैं तो उसे हम सोसाइटी कहते हैं वो उनके जो होता है ना कॉमन कल्चर होता है यानी कि कल्चर का मतलब सबसे पहले समझो वे ऑफ लिविंग मेरा टेस्ट क्या है मेरी पसंद क्या है मैं किस तरीके से रहती हूँ मुझे टीका लगाना पसंद है मुझे बाल ऐसे जाना पसंद है तो ये मेरा वे हो गया ठीक है तो उसे हम लोग बेसिकली कल्चर कहते हैं एज अ होल ऑकोपा टेरिटोरियर यानी कि सोसाइटी में होता क्या है हम सभी के कल्चर एक होते हैं ठीक है हम एक ही जगह पे रह रहे होते हैं उत्तर प्रदेश में रह रहे होते हैं या बिहार में रह होते में रहे होते हैं या झारखंड में रह रहे होते हैं तो एक ही जगह पे मतलब एक ग्रुप की तरह रहते हैं हम लोग जैसे कि क्लास में तुम लोगों की ग्रुपिंग्स होंगी तुम्हारी फ्रेंड की सर्कल होगा तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी ठीक है आर बाउंड टू ईच अदर बाय अ कॉमन हिस्ट्री तुम लोगों की हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं एक जैसी होती है अब इतना ज़्यादा समझने से अच्छा है तुम लोग अपने क्लास के ग्रुप का एग्जाम्पल ले लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है उन फ्रेंड सर्कल में तुम सभी एक साथ एक ग्रुप बना के रहते हो तो वो तुम्हारे समाज हो गया ठीक है अब उस समाज में तुम लोग एक साथ रहते हो तुम्हारे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेम है तुम्हारा कल्चर एक कहीं ना कहीं सेम है एक साथ तुम लोग आसपास रहते भी हो तो वो हो गया तुम्हारा सोसाइटी सिंपल देन कम्स हमारा आता है सोसाइटी हमें क्या देता है देखो सोसाइटी हमें हम लोग रहते हैं तो सोसाइटी डेफिनेटली हमें कुछ दे रहा होता है तभी तो हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना तो बेसिकली ये तो तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई इंसान अकेले नहीं रह सकते इंसान को मतलब चाहिए कि उनके आसपास दो चार लोग हो वो शिकायत बतिया बात करे या फिर तारीफ़ें करे एक दूसरे की मतलब होता है अकेले कोई इंसान नहीं रह सकता तो आखिर हमारा ये सोसाइटी हमें देता क्या है कि हमें सोसाइटी के बिना रहना नहीं अच्छा लगता ह्यूमंस को सोशल बीइंग भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है आखिर तो बेसिकली हमारा सोसाइटी जो है वो सर्वाइवल के लिए और एक गुड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी हमें प्रोटेक्शन देता है यानी कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल का एग्जाम्पल लें तो उस फ्रेंड सर्कल में तुम्हें जब भी ज़रूरत होती है अपने दोस्त की होमवर्कस के लिए टेस्ट में या कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी सोसाइटी का जो दोस्त है मेम्बर है वो तुम्हारे आगे आके हेल्प करता है तो ये हो गया तुम्हारा सोसाइटी का प्रोवाइडेंस जो तुम्हें सिक्योरिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा जब भी तुम मुसीबत में फंस जाओ तो मुसीबत में हेल्प करेगा तुम्हारी रिलेशनशिप्स तुम्हारी उसके साथ होंगी देन उस वो तुम्हें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा लाइक फॉर एग्जांपल इस ग्रुप का कुछ नाम दे देते हैं लाइक <clears throat> like मैंने एक ग्रुप का नाम बहुत सुना है एफ़ फाइव समथिंग जिसमें पांच मेंबर्स होते हैं तो उस वो होता है तुम्हारा इसी टाइप के ग्रुप्स के नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो ये तुम्हारी ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई एंड तुम लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थोड़ा बहुत प्यार लगाव घीजा हाँ, ताली होता रहती है तो दैट इज़ नोन नोनेस योर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो ये हमारा समाज में देता है अब चैप्टर से स्टार्ट करें तो भैया ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं बेसिकली सोशोलॉजी क्या है समाज समझ गया तुम लोग बट सोशोलॉजी क्या होता है सोशोलॉजी होता है एक सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग ह्यूमंस को पढ़ रहे होते तो समाज के बारे में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे mm. क्योंकि हम समाज में रह रहे होते हैं तो उन्हें समझना तो वाव मस्त राइट सो सोशोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन human, ह्यूमस uh, को इन सोसाइटी ठीक है यानी कि समाज में कैसे ह्यूमस रह रहे होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं क्या रिलीजन फॉलो करते हैं क्या कल्चर फॉलो करते हैं क्यों करते हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं सोशोलॉजी में हम लोग मेनली फोकस करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशूज़ के बारे में यानी कि कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम कैसे पब्लिक इशूज़ बन जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग पॉवर्टी का अगर बहुत से लोग हमारे समाज में गरीब हैं तो वो पर्सनल प्रॉब्लम है उनकी राइट कि वो गरीब है वो लोग काम नहीं कर रहे या कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो लोग गरीब हैं तो बेसिकली ये पर्सनल प्रॉब्लम है लेकिन कभी कभार ये सोशल इशू या पब्लिक इशू बन जाता है राइट ये हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा पोवर्टी है तो कैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक इशू बन जाता है वो यहाँ पर हम लोग रिवील करते हैं तो सोशोलॉजी का मेन टास्क क्या होता है ये पता करना कि कैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम बन जाता है एक पब्लिक इशू राइट ओके इट ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल कैसे एक सोसाइटी में बिहेव करता है सोसाइटी में इक्वाली फ्रेटर्निटी सब सारी चीज़ें तुम तो लोगों ने पढ़ रखी है ह्यूमैनिटीज लिए तो पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी okay. तो आखिर ये चीज चीज़ें सोसाइटी में कैसे काम करती है सोसाइटी में एक दूसरे के साथ लोग रहते कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये चीज़ समझने के लिए तो सोशोलॉजी क्या है हमारा एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ सोसाइटी ये तुम्हारा की हो गया नोट करना चाहो तो नोट कर लो डिस्टिंग फ्रॉम फिलासॉफिकल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन ये जो हमारा सोशोलॉजी है ना ये कॉमन सेंस है या फिर ना ये कोई किताब में लिखी हुई फिलोसॉफिकल रिलीजियस थीम्स है यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन ने इस सब्जेक्ट को नहीं बनाया है तो हमारे सब्जेक्ट को बनाया किसने है बेसिकली वो भी हम लोग बात करेंगे लेकिन टॉपिक वाइज चलते हैं ठीक है थीक्या? तो हमारा सोशलॉजी जो है वो डिफरेंट है फिलोसॉफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शंस रिलीजियस रिफ्लेक्शन मतलब या फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है दीदी तो बेसिकली हमारा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन या रिलीजियस रिफ़्लेक्शन का मतलब जो हमारे एक डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं हिंदू मुस्लिम्स तो वो क्या बोलते हैं समाज के बारे में या वो सोसाइटी में कैसे क्या बिलीव रखते हैं वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती है दैन डैट ऑफ सोशोलॉजी क्योंकि सोशलॉजी में भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है सोशोलॉजी में हम लोग बेसिकली ऑब्ज़र्व करके स्टडी करते हैं किसी चीज़ को उसके बाद हम लोग इंक्लूड करते हैं कि ऐसा ऐसा सोसाइटी में होता है वह आज रिलीजियस थिंग्स जो है उनके पास मेनली मतलब ये चीज़ें नहीं होती वो ऑब्ज़र्व करके नहीं दी जाती हैं सोसाइटी के बारे में <laughs> This distinct way of studying society can be better understood if we look back historically at the intellectual and material context with sociology was born and later की यानी कि हमारा sociology born कैसे हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने को मिलेगा हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा कि हमारा sociology कैसे हुआ है कैसे हुआ मतलब बॉन्ड कैसे हुआ है डिफिनटली सो सोशोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट डिसिप्लिन है नाइनटीन सेंचुरी के आसपास ये बॉन्ड हुआ था और क्यों बॉन्ड हुआ था कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे एंड कुछ मटेरियल आइडियाज़ थे जिसे हम लोग डिटेल में आगे लेक्चर में कवर करने वाले हैं दिस डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्टडिंग सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड अगर हम लोग हिस्टोरिकली इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को समझ लें यानी कि आखिर क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से सोशोलॉजी वाला सब्जेक्ट हमारे पढ़ना पड़ा या हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो गया वो हम रीजंस जानना है जानेंगे इस पूरे चैप्टर में तो बेसिकली अगर अप करूँ इंट्रोडक्शन को तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ओवरऑल देखने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में क्या है सोशोलॉजी क्या है वो समझ गए तुम लोग सोशोलॉजी फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थीम से डिफरेंट है ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे एंड इसका स्कोप क्या है मतलब सोशलॉजी क्या क्या चीज़ें देखता है क्या क्या चीज़ को पढ़ता है ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया बट और इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे देन सोसाइटी में कैसे सोशलॉजी uh, काम करता है या सब्जेक्ट कैसे ये हमारा आया और हमारे सिलेबस में बोझा बढ़ा गया वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं ठीक है सो जब लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बुक खोल के बैठ जाओ एकदम टॉपिक के टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं समझने वाले हैं मतलब मैं बात करूँगी तुम लोग मेरी बातों का कर, रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में जाओ मुझे एकदम अकेले बात करना पसंद नहीं आता यार प्लीज ओके सो की सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है बेसिकली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में सी टाइप मिल्स का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिस्ट के क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सोशियोलॉजी में नाम पे ठीक है तो ध्यान रखना नाम और उनके काम सी राइट मिल का काम क्या था या उनका विजन क्या था बेसिकली वो जानना चाहते थे कि कैसे ये पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक और पब्लिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड है कैसे पोवर्टी जो कि हमारी प्रॉब्लम थी वो कैसे समाज की प्रॉब्लम बन जाती है और समाज खुद आके आके स्टेप्स लेता है इस पर्सनल प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का ये पब्लिक ईशूज बन जाता है मतलब ओवरऑल कैसे पोवर्टी हमारी प्रॉब्लम थी वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बन गई और गवर्नमेंट आकर हमें हेल्प कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन उन्होंने क्या कहा है कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन हमें हेल्प करता है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है यार सोशलॉजिकल इमेजिनेशन मतलब समाज के बारे में हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं किस यानी कि सोसाइटी को हम एज अ होल समझते कैसे हैं वो है तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन अलेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफ़ी ऑफ द एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी हमारा हिस्ट्री अगर कोई भी समाज को समझना हो तो तुम लोग कैसे समझोगे जाके बोलोगे हाई आइए समाज जी हमें बताइए कि कैसे आप फॉर्म हुए मतलब क्या हैं आप ऐसे जाके पूछोगे बिल्कुल नहीं किसी भी समाज को समझना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हिस्ट्री को समझा कि कैसे ये समाज आया बना क्या इनकी बिलीव हैं क्या इनकी आइडियाज़ हैं क्या इनकी वैल्यूज़ हैं क्या, है, क्या बिली मतलब क्या इनकी सोच है समाज की उस समाज के हिस्ट्री जोग्रफ़ी मतलब एकदम इन डिटेल समझने वाले हो कि क्या है तुम्हारा उस सोसाइटी लेट सपोज एक पर्टिकुलर सोसाइटी है तो मैं उसे समझना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि मैं पढ़नी पड़ेगी या जाननी पड़ेगी कि कैसे वो सोसाइटी बना उसके बाद मुझे जानना पड़ेगा बायोग्रफ़ी यानी कि उस समाज में रहने वाले लोग क्या बिलीव करते थे या कैसे थे वो मुझे समझना पड़ेगा क्या उनकी सक्सेस स्टोरी रही क्या उनकी लाइफ स्टोरी रही वो मुझे जानना पड़ेगा उसके बाद मैं रिलेशनशिप समझूंगी कि आखिर इन दोनों में क्या रिलेशनशिप्स है यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें तो कोई भी समाज को समझना है तो पहले उसकी हिस्ट्री देखो यानी कि समाज में क्या कैसे फॉर्म हुआ है वो एक समाज कैसे बना वो और दूसरा उसके अंदर रह रहे लोगों के बारे में जानो तो समाज को समझ जाओगे तुम लोग अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा कि हम लोग को समाज को समझ के करना क्या है बेसिकली अगर तुम लोग समाज को समझ जाओगे तो तुम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे और प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस पे भी आओगे राइट तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स की आसानी से पता चल जाए तो तुम लोग सोल्यूशनस तो निकाल ही सकते हो राइट वही चीज़ें तो सीराइट मिल्स ने इस चीज़ पर फोकस किया था ये उनकी पिक्चर है ध्यान में रखना अब द फैक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री और ऑल्सो फैक्ट्स अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या तुम अभी करते हुए डिसाइड करेगा कि तुम्हारे फ्यूचर में तुम क्या बनने वाले हो राइट ये डायलॉग बहुत बहुत बार सुना होगा राइट तुम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो मैं देख रही हूँ क्या बनते हो तुम लोग बड़े हो गए राइट पेरेंट्स बोलते है या हैं या बड़े भाई बहन बोलने लग जाते हैं कभी कभार तो बेसिकली क्यों बोलते हैं ऐसा समाज में ऐसा क्यों कहा जाता है बेसिकली समाज में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेफिनेटली तुम किसी चीज़ को टाइम बहुत ज़्यादा देते हो तो आ, होता क्या है कि वो तुम्हारा टाइम खाने लग जाता है अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ में वो वो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है अब मैं क्या बोल रही हूँ वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा राइट एग्जाम्पल लेके समझते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग आज अच्छे से पढ़ाई करते हो टाइम से सब चीज़ों पर ध्यान देते हो सिर्फ पढ़ाई में नहीं मतलब हर चीज़ों पर ध्यान दो स्किल्स अकॉर्डिंग पे हर चीज़ पर उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो अभी तो तुम लोग पढ़ाई करोगे अभी जो स्टडीज़ करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें या उससे पता चलेगा कि तुम लोग पास हो गए या फेल हो गए तुम सक्सेस हो गए या फेलियर हो गए फैक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर ऑल्सो फैक्ट्स अबाउट फेलियर एंड सक्सेस ऑफ दी सोसाइटी अगर सोसाइटी से कनेक्ट करो तो समाज के तुम हिस्ट्री को पढ़ लिए बायोग्राफी को पढ़ लिए तो यानी कि तुम लोगों को एक समाज को पढ़ लिया है समझ लिया कि समाज कैसे काम करता है वो पर्टिकुलर समाज कैसे है लेकिन जैसे पोज कोई समाज है तो वो एक पर्टिकुलर समाज का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सेकेंड एक पर्टिकुलर समाज है तो मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ूंगी मैं इसकी बायोग्राफी पढ़ूंगी उसके बाद मुझे समाज के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर सोसाइटी ए ऐसे काम करता है तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगी कि ये सोसाइटी में ऐसे लोग काम करेंगे या ऐसे लोग बनेंगे मतलब प्रडिक्शन कर सकती हूँ कि ले सपोज़ कोई पेजेंट है कोई फार्मर है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ठीक है इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है बहुत सारी हो तो इनका काम चला जाएगा तो अब इनका काम चला जाएगा तो क्या ये क्या करेंगे ये लोग जाके वर्कमैन बन जाएंगे अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं तो वो आगे मतलब जैसे इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो उनके पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे थे तो वो बिजनेसमैन बन जाएंगे राइट तो ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे सोसाइटी को समझ जाओगे तो तुम बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा आगे हो सकता है तो वही यहाँ पे लिखा है सी राइट मिल्स ने उनकी सोच ये है समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इस पर यह कोड क्या है यू विल नेवर रियली अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल अनलेस यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द सोसाइटी अगर तुम्हें किसी भी इंडिविजुअल को समझना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो उसकी सोसाइटी को हिस्टोरिकल टाइम पीरियड यानी कि उसके सोसाइटी के हिस्टोरिकल टाइम पीरियड मतलब उसकी अगेन हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ो सोसाइटी की तो तुम्हें सोसाइटी समझ में आएगा और सोसाइटी में समझ में आ जाएगा तो सोसाइटी में रह लोग कैसे होंगे वो भी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा ये यहाँ राइट मिल्स कह रहे हैं अब आते हैं हम लोग इंदिरा आवास योजना में क्या आखिर ये इंदिरा आवास योजना क्यों है बेसिकली ये तुम्हारा सिलेबस बढ़ाने के लिए है जो सपाट इंदिरा आवास योजना एक बहुत ही ज़्यादा मस्त स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था नाइन्टीन नाइन्टी नाइन टू टू हंड्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे मैं बोल रही हूँ तो अच्छे से याद रखना आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे तो ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी एम एंड एच यू डी सी ओ मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ बट तुम इसे लॉन्ग में याद करना अच्छे से हुं? अब ये क्यों बनाया इंदिरा आवास योजना क्यों इंट्रोड्यूस किया दीदी बेसिकली इसका एम था कि ये क्या करेगा घर बना के देगा किसे घर बना के देगा ये कंस्ट्रक्ट करेगा हाउसेस फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पैसा नहीं लेगा किसके लिए पुअर और होमलेस के लिए, लिए? यानी कि जो भी जिनके पास पैसे नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं उन्हें घर देने का काम करेंगे हम लोग इस योजना के तहत तो ये था हमारा एम ऑफ दिस इंदिरा आवास योजना बहुत अच्छे से समझ के रखना याद कर लो क्योंकि इस ये क्वेश्चन आ जाता है इंदिरा आवास योजना पे तो यहाँ पे देखो कुछ पुअर लोग थे जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत फ्री गव, गवर्नमेंट ने फ्री में घर बना के दिया तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल और, और पिक्चर के थ्रू अब समझो प्लूरलिज़ एंड इनक्वालिटीज़ हमारे सोसाइटी में प्लुरलिटीज़ होती है सिंगुलर प्लूरल ग्रामर पढ़ा था ना तो सिंगुलर uh, मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे ढेर सारे तो प्लूरिटीज़ मतलब हो गई ढेर सारे तो सोसाइटी जो है सोसाइटी एक इंसान से नहीं बनी होती बल्कि बहुत सारे लोग एकजुट होते हैं तो प्लूरल सोसाइटी फॉर्म होती है तो प्लोलिटीज़ हम अपने सोसाइटी के बारे में बात करेंगे और इनवालिटीज़ कैसे सोसाइटी में इनक्वालिटीज़ होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर तो बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं इसे लिबरलिटीज़ हो गए मतलब हमारा समाज हमारा समाज यानी कि आवर सोसाइटी जब भी मैं अपने समाज की बात करूँगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं जिस स्टेट से आती हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ या फिर मैं जो लैंग्वेज कम्युनिटी सपोज मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी वाले कम्युनिटी की बात कर रही हूँ आवर सोसाइटी के मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स में हम लोग आवर सोसाइटी का टर्म यूज़ करते हैं। अगर फॉरनर के सामने जाके मैं सेम बात बोलूँ अपने सोसाइटी के बारे में कि हम भाई हमारा समाज तो ऐसे बिलीव नहीं रखता है तो वो लोग समझेंगे कि मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ राइट और तुम्हारे सामने मैं बोलूँ कि हाँ भाई हमारे स्टेट में एडुकेशन पॉलिसी नहीं हमारे स्टेट में ये कंडीशन है या पोवर्टी कम है तो तुम लोग समझोगे कि मैं मतलब हमारे समाज में कम है तो तुम लोग समझोगे कि मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रही करी तो जस्ट वैसे ही आवर टर्म जो है आवर सोसाइटी का जो वर्ड है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मतलब ये बहुत ये ही डिफ़िकल्ट डाइवर्स होता है इसके मीनिंग इसलिए जब भी हम बात करते हो, होते हैं आवर सोसाइटी को तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि ये किस सोसाइटी की पर्टिकुलर बात करी होती है एथनिक कम्युनिटी की बात करिए कि रिलीजियस कम्युनिटी की बात करिए कि ट्राइबल कम्युनिटी की बात करिए वो हो जाता है तो ये ऑल अबाउट है तुम्हारा प्लूरलिटीज़ अब यहाँ पे हम लोग इनक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इनक्वालिटीज़ मतलब तुम लोग पिक्चर में देख रहे हो बहुत सारी सिटीज़ हैं और सिटीज़ के जस्ट इस साइड हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पोवर्टी यानी कि पुअर लोगों के स्लम्स बने हुए हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इनक्वालिटी सिटी के अंदर राइट right, अब ये समझो अमरत्या सेन ने कुछ कोट लिखा है और उस कोट के तहत वो क्या समझाना चाहते हैं कि सोसाइटी में कैसे हर सोसाइटी में बेसिकली हर सोसाइटी में सेंट्रल चीज़ क्या है या एकमात्र चीज़ क्या है जो देखने को हमेशा मिल ही जाती है इनक्वालिटीज़ अब कैसे किस फॉर्म में तो वो इस कोड के जरिए तुम लोग समझोगे तो कुछ इंडियंस होते हैं इंडियंस की ऑल टुगेदर बात हो रही है हर सोसाइटी को इंक्लूड करते हुए तो बहुत से इंडियंस होते हैं जो बहुत से रिच होते हैं तो बहुत से होते हैं कम रिच यानी कि बिल्कुल रिच नहीं होते मतलब कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं कुछ के पास पैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हैं तो कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं आए बिल्कुल भी उन्हें उनकी सिचुएशन ऐसी थी तो कि वो पढ़ नहीं पाए तो वो इलिटरेट हो गए कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी और लग्जरी लाइफ मतलब कोई भी चीज़ आसानी से उन्हें मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा अमीरों वाली लाइफ जीते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लिटिल रिवॉर्ड्स के लिए कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल तो कुछ लोग जो होते हैं वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते अपने बिलीव नहीं करवा पाते सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट इन लाइफ अदर्स लैक दैम ऑल टुगेदर यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो कुछ लोग जो है उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में उनकी uh, जन्म हो जाता है दैन उन्हें सारी फैसिलिटीज़ बिना मांगे ही मिल जाती हैं लाइक like कुछ लोग होते हैं कि वो पुअर uh, पैदा हो जाते हैं बॉन्ड से सो दिस इज़ द दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज सम आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट बाई पुलिस कुछ uh, जो होता है ना पुलिस जो होते हैं कुछ लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दे देते हैं एंड अदर्स को दे ट्रीट लाइक डर्ट सो ये भी एक काइंड ऑफ इनिक्वालिटीज़ है तो ये सारे जो अमरत्या सिंह ने अपने यू uh, नो you know, uh, कोर्ट मेंशन किया है इस कोर्ट से हमें क्या दिख रहा है कि इनक्वालिटी जो है वो हर सोसाइटी में पाया जाता है हर सोसाइटी में तुम लोग खुद रिलेट रे कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा तुम्हें देखने को सोसाइटी में मिलता है आर

सिर्फ गवर्नमेंट से करके करने से भी नहीं होगा बेसिकली मैं अपना व्यू दूँ तो आ, सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करे तो नहीं चलेगा हमें खुद आके काम करना होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल अब तुम लोग पूछोगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली तुम लोग करके आ सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो डेफ़िनेटली तुम लोग सोसाइटी के लिए ही कुछ ना कुछ करोगे लॉ करोगे चाहे टीचिंग करोगे या फिर ऑफिसर के पोस्ट के लिए रेडी होगे राइट right? तो इन सारी चीज़ों में सोसाइटी के ही सोसाइटी को ही सेंट्रल रखने वाले हो अगर कुछ और फील्ड कुछ और सोच रहे हो तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन फिर भी सोसाइटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करोगे तुम लोग अगर तुम लोग अपने स्टडीज़ uh, को अच्छे से करते हो कंटिन्यू करते हो अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो देन वॉट वी विल डू कि तुम लोग यू uh, नो you know, कोई पोस्ट पर जाओगे और जो भी पोस्ट पर जाओगे वहाँ पर जाके तुम लोग के पास पावर होगी और तुम्हारी सोच होगी जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो सोसाइटी को बदल सकते हो बदल सकते हो मतलब सोसाइटी में इन चीज़ों पे काम कर सकते हो ठीक है किन चीज़ों पे आप तुम लोग बोलोगे तो ये जो जो इनक्वालिटी सेंट्रल है हमारे सोसाइटी में सेंट्रल नहीं होगा कब जब हम लोग खुद आके सामने इससे लड़ेंगे इस पर काम करेंगे बेसिकली तो ये है हमारे अमरत्यासिन की पिक्चर जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रही है इंपॉर्टेंट है याद रखना क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकते हैं ठीक है ठेके? अब आते हैं हम लोग इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी अब यहाँ तक तुम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सब था हमारा सोसाइटी का बेसिक्स कि सोसाइटी क्या है कैसे काम करती है कैसे चीज़ें होती हैं सोसाइटी में राइट right? अब हम लोग जानेंगे कि सोशियोलॉजी कहाँ से आया बेसिकली द टर्म सोशोलॉजी वॉज कॉइंड बाई ऑगस्टी कॉम्टे यानी कि ऑगस्टी कॉम्टे एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और सोशोलॉजिस्ट भी हैं इन 1839 ये तुम लोग फैक्ट के लिए याद रखो ऑगस्टी कॉम्टे जो है वो पहले एक यू नो इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है क्योंकि सोशोलॉजी को इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था सोसाइटी के अंदर ही इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट थिंकर हु डिफाइंड द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन उन्हें कहा जाता है कि सोशोलॉजी को एक डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन कौन थे ऑगस्टी कॉम्टे इनके बारे में और अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो वो ये है ना कि अगस्टी कॉम्टे ही वॉज़ अ थिंकर वो सोशल थिंकर भी थे और साथ में सोशोलॉजिस्ट भी थे और वो क्या मानते थे उनका मानना ये था कि अगर सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सोसाइटी को पढ़ना होगा मतलब क्या प्रॉब्लम को पढ़ो प्रॉब्लम को समझो उसके बाद तुम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आसानी से कर पाओगे अगर तुम लोग प्रॉब्लम को समझ जाते हो तो तो वो भी यहाँ पर यही कहते हैं कि सोशल एल्स को सोशल प्रॉब्लम्स को पढ़ो जैसे पोवर्टी अगर प्रॉब्लम है तुम्हारे स्टेट में तुम्हारी कंट्री में तो उसे पढ़ो और उसके पढ़ने के बाद उसको समझो और फिर सोसाइटी में उसे कम करने की जो सोसाइटी में उस प्रॉब्लम को घटाने की क्रिया है वो हम लोग आसानी से कर पाते हैं तो ये सोशोलॉजिस्ट सिर्फ ऑगस्टिकॉमटे का ही बिलीव नहीं था आ, आ मतलब और भी काफ़ी सारे सोशल थिंकर थे जो ये सेम बिलीव रखते थे सोशोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल साइंस क्यों बिकॉज ये बहुत ही रिसेंटली बॉर्न हुआ है अब कम बॉर्ड हुआ है ये दूसरे दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वेट करो सोशोलॉजी की बात करें तो सोशलॉजी इज डिराइव फ्राम लैटिन वर्ड सोशस जिसका मतलब होता है कंपेनियन एसोसिएट या ऑल टूगेदर सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस अब इतना तो तुम्हारा फैक्ट हो गया जो तुम लोग एग्जाम में लिखने वाले हो उसका मतलब क्या है दीदी <laughs> तो इसका मतलब यह है बेसिकली सोशोलॉजी का मतलब क्या होता है ऑल टुगेदर अगर इस वर्ड को हम लोग निकाल के इस पर क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम करें तो इसका मतलब हम ये निकलता है कि सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लोगस का मतलब होता है स्टडी तो सोसाइटी को स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है जो डिसिप्लिन है उसे हम लोग सोशोलॉजी कहते हैं ठीक है दस सोशोलॉजी का मतलब क्या होता है साइंस ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हो उसे तुम जिसमें हम लोग ह्यूम्स के लाइफ को पढ़ते हैं सोशल ह्यूमन के सोशल लाइफ को पढ़ते हैं बेसिकली एंड सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं और ये हम लोग को बताता है मतलब इस सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमन जो है वो सोशल बींग है ठीक है नेक्स्ट है हमारे ऑगस्टी कॉमेडी का इमेज जो तुम्हारी स्क्रीन पे विजिबल है इन्हें भी ध्यान से देख लो अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे क्या लिखा है सोशियोलॉजी इज़ नॉट द फर्स्ट सब्जेक्ट टू स्टडी सोसाइटी डेफिनेटली तुम लोग ह्यूमैनिटीज़ लिए हो तो तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे पॉलिटिकल साइंस होगा हिस्ट्री होगा तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी तो सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं ना प्रीवियस सोसाइटीज़ के बारे में हिस्ट्री पढ़ता है पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं हम लोग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी में रन हो रहा होता है उसे पढ़ रहे होते हैं राइट right? तो सोशोलॉजी एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं द ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज़ दैट सोशलॉजी एज अ डिसिप्लिन मेक्स अबाउट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दैट ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्शन एंड कॉमन सेंस देखो सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर हम लोग सोसाइटी को सोशोलॉजी में नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग सोसाइटी को ही पढ़ रहे होते हैं बट बहुत ज़्यादा ध्यान से बहुत ज़्यादा डिटेल में इतने ज़्यादा डिटेल में कि इंसान क्या कर रहा होता है क्यों कर रहा होता है किस लिए कर रहा होता है किस चीज़ों के ऊपर कर रहा होता है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं इंसान अपने सोशल लाइफ में क्या कर रहा होता है वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं और ये दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अब कैसे डिफरेंट है वो हम लोग अगेन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वाला टॉपिक है तुम्हारे बुक में उसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है थेके? तो वेट कर लो द ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज़ दैट सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन मेक्स अबाउट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दैट ऑफ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन एंड कॉमन सेंस इस चैप्टर में तुम लोग आगे देखने वाले हो कि कैसे कॉमन सेंस और सोशोलॉजी डिफरेंट है लेकिन अब तुम लोग पूछोगे कि फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन से कैसे डिफरेंट है रिलीजियस थीम से कैसे डिफरेंट है रिलीजन से कैसे सोशलॉजी डिफरेंट हो जाता है देखो रिलीजन जो है वो इस पर ध्यान देता है कि क्या सही है क्या गलत है फ़िलोसॉफ़ी जो है वो ध्यान देता है कि क्या सही है क्या गलत है कैसे एक इंसान को अपने सही ज़िंदगी सही तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें पाप हैं गलत हैं वो नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें हम लोग फ़िलोसोफिकल uh, ट्रेडिशंस में या फिर रिलीजियस बुक्स में पढ़ा करते हैं बट सोशोलॉजी में हम लोग ये नहीं पढ़ते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डेफ़िनेटली पढ़ते हैं टू समक्सटेंट क्या सोसाइटी में जरूरी है क्या नहीं है बट मेन हमारा फोकस सोशलॉजी में क्या होता है बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है सोशोलॉजी में कि कैसे ह्यूमंस जो भी रिलीजन ह्यूमंस uh, जो हैं वो अपने नॉर्म्स को कैसे फॉलो करते हैं सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स मतलब जो भी उनके वैल्यूज़ हैं जो भी वो रिलीजियस बुक के अंदर पढ़ते हैं जो भी उनकी सोच है उस हिसाब से वो सोसाइटी में कैसे रन करते हैं क्या करते हैं वो हम लोग सोशलॉजी के अंदर देखते हैं ठीक है इट इट इट्स कंसर्न इज़ विद द वे दे दैट मीन्स ह्यूमन फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटी ह्यूमन कैसे फंक्शन करते हैं सोसाइटीज़ में वो सोशोलॉजी का मेन काम होता है ठीक है इस ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन रिलीजियस थीम्स से हमारा सोसाइटी कैसे डिफरेंट हो रहा है एम्पेरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉट सोशोलॉजिस्ट टू अब सोसाइटी के बारे में इतना कथा कह दिया दीदी आपने कि आप बता सकती हैं कि सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो सोसाइटी को पढ़ते कैसे हैं मतलब बहुत इंटरेस्ट आ गया हमें कि सोसाइटी पढ़ती है सोसाइटी को पढ़ती है अब आप ये भी बता दीजिए कि सोसाइटी को पढ़ती कैसे है हुँ? तो बेसिकली एम्पेरिकल स्टडी मतलब हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाई करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब कि हम लोग एक्सपीरियंस uh, के थ्रू मतलब जैसे कि सोसाइटी कब से चली आ रही है राइट right? तो हम लोग धीरे 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 चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उसे डिफाइन करते हैं और आराम से पढ़ते हैं ठीक है एम्पेरिकल स्टडी ऑफ सोशो सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉट सोशोलॉजि डू दिस हाउ ए वर्ड डज नॉट मीन दैट सोशलॉजी इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूज डेफिनेटली इसका यह मतलब नहीं है कि सोशलॉजी जो है वो वैल्यूज को कंसिडर नहीं करती इट इज नॉट ओनली इट ओनली मीन्स डैट वेन सोशोलॉजिस्ट स्टडी अ सोसाइटी द सोशोलॉजिस्ट इज विलिंग टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग्स इवन इफ दे आर नॉट टू हियर हीज और हॉर लाइकिंग यानी कि इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हम लोग फिलोसोफिकल हम लोग अगर कोई भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं ऑब्ज़र्व करने जाते हैं तो जैसे कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि कोई बच्चा ना ग्राउंड में रोने लगा अचानक से हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे और वो बच्चा रोने लग गया अचानक से तो मैं उसे ऑब्ज़र्व कर रही हूँ मैं उसे स्टडी कर रही हूँ ठीक है तो अब मैं क्या देखती हूँ वो अचानक से रोने लगे तो मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है ना कि इसकी मम्मी ये शायद गुम हो गया है इसलिए वे रो रहा है मे भी इसे चॉकलेट चाहिए था इसलिए रो रहा होगा तो यहाँ पे मैंने अपना यू नो थिंकिंग आगे ला दिया रादर देन कि मैं उस बच्चे से जा कर पूछूँ कि भाई तुम क्यों रो रहे हो क्या रीज़न है पता लगाऊँ कि क्यों रो रहा है मैंने अपने व्यू उसको ऊपर रख दिया तो ये हो गया हमारा uh, जो अक्सर हम लोग ऑब्जर्वेशन में गलती कर देते हैं बट सोशलॉजी में ऐसा नहीं करना है सोशलॉजिस्ट जब भी अपने स्टडी को करते हैं तो वो ऐसे स्टडी करते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को वो क्या फ़ील कर रहे होते हैं वो उसे आगे ना करके वो वो आगे करते हैं जो सोसाइटी में एक्चुअल में हो रहा होता है ठीक है यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चा रो रहा है तो मैं जाके पूछूंगी या पता लगाऊंगी कि क्यों रो रहा है नॉट लाइक अपनी फीलिंग्स लिख दो तो सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसे काम करते हैं ऐसे स्टडी करते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी परफॉर्म करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा एम्पेरिकल स्टडी का मतलब समझ गए अब मूव करते हैं सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस यानी कि तुम लोगों ने समझ लिया अब तक क्या क्या समझा है चला चलो एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें समझी हैं हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सोसाइटी क्या होती है सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती है फिर हम लोगों ने देखा कि सोशलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है हम लोगों ने वहाँ पर सी राइट मिल्स के व्यूज़ को जाना इंदिरा आवास योजना के अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है प्लॉरिटीज़ क्या होती हैं और इनिकवालिटी सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करती है वो हम लोगों ने देखा और अभी हम लोग देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी वो भी हम लोगों ने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया कि सोशियोलॉजी कहाँ से क्या है अब हम लोग जानेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस से कैसे अलग है तो कॉमन सेंस क्या होता है पहले मुझे ये बताओ कॉमेंट सेक्शन में जाके उसके बाद मैं बताऊंगी कि सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट है कॉमन सेंस uh, से तो मैं वेट कर रही हूँ तुम लोग जल्दी से जाके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम लोग क्या सोचते हो कॉमन सेंस के बारे में हुँ? ओके सो कॉमन सेंस होता क्या है बेसिकली कॉमन सेंस की बात करें तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग कुछ भी बोलते हैं मतलब वो हमारे तक सीमित होती है कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशन होती है नेचुरल एक्सप्लेनेशन मतलब कुछ चीज़ हम लोग बिलीव करते हैं तो हम लोग की नेचुरल फीलिंग्स हो जाती है नेचुरल एक्सप्लेशन हो जाता है जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं दो मिनट तक आगे नहीं जाने वाली तो ये हमारा हो गया नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन और अगर मैं गई तो फिर कुछ अशुभ हो सकता है ऐसा बिलीव किया जाता है तो वही नेचुरलिस्टिक या इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होते हैं बट अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो वो ऐसा कुछ नहीं करता अब तक तो तुम लोग समझ गए हुए कि सोशोलॉजी बड़ा स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं एम्पेरिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं तो सोशोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली हमारा फोकस क्या है कि हम लोग वहाँ पे कोई भी नेचुरलिस्टिक या इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन सबसे पहले नहीं देते हैं ठीक है सोशल इन्वामेंस दैट वी आर सोशलाइज टू दिस नॉलेज इज गेंड फ्राम आवर ओन एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी हम किसी भी सोसाइटी को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अगैन अमरत्य सॉरी सी राइट विल्स ने बोला था ना कि हमें भी कोई भी सोसाइटी को समझना है तो हमें उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़नी होती है राइट उसके बाद ही हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी राइट याद हो गया होगा अब तक, तक तुम लोगों को तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी सोसाइटी को समझना है तो सबसे पहले उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जानना पड़ेगा उसे राइट right? तो वैसे ही यहाँ पे अगर उसे देखें तो सोशलॉजी में सार निकालते हुए मैं ये बोलूँगी कि सोशलॉजी में क्या होता है हम लोग कोई भी नॉलेज को गेन करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं समझते हैं जानते हैं उसके बाद भी हम लोग कुछ बोलते हैं थ्योरीज सामने आते हैं राइट right? तो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन एजाम्पन हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो वो हमारा कॉमन सेंस हो गया कॉमन सेंस मतलब हम लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं और उसको बोल देते हैं बट सोश सोशलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान से पढ़ते हैं चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर सामने रख जाता है तो क्या लिखा है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव एंड डज नॉट क्वेश्चन इट ओन ओरिजिन हम मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्या बिल्ली रास्ता काट देती है तो अशुभ हो सकता है मैं ऐसा बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ क्या मेरे पास कोई प्रूफ है या कुछ तथ्य वगैरह हैं नहीं बट सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड ब्रेक्स अवे फ्रॉम कॉमन सेंस यानी कि दूसरा है कुछ क्या है इट वर्क्स ऑन मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन इसके पास मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन होता है एग्जाम्पल्स होता है और साबित करने के लिए सबूत होता है ओके okay?

इसका स्क्रीन ले लो या इसे बहुत ध्यान से पढ़ो ठीक है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हमारा यू नो कॉमन सेंस डिफरेंट है सोशियोलॉजिकल नॉलेज से अब मैं फटाक से बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है बेसिकली इसमें लिखा है कि कॉमन सेंस बोलता है ना कि तुम कोई भी इंसान पुअर इसलिए होता है बिकॉज उसकी या तो एक बहुत ही पुअर होती है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है या उनके पास पैसे मैन वो पैसे मैनेज नहीं कर पाते ठीक से या फिर उनको इंटेलिजेंसी कम है उनको समझ नहीं है कि पैसे कैसे हम लोग को यूज़ करना है कहाँ यूज़ करना है इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसी की वजह से पोवर्टी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है बट आज सोशलॉजिकल नॉलेज यानी कि सोसाइटी में हम लोगों ने सोशोलॉजी के थ्रू पता किया है तो हमें पता क्या चलता है कि पोवर्टी इसलिए है बिकॉज इनक्वालिटी एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे सोसाइटी में काम से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वर्कर्स को जैसे लो वेजेस एक रीज़न हो गया ठीक है तो यहाँ पे ये तुम्हारे टेबल में एक्सप्लेन किया जा रहा है इंटेलेक्चुअल आइडियाज की बात करें कि कैसे हमारा सोशियोलॉजी आया तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजें तुम लोग खुद पढ़ने वाले हो मैं इसका सार तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका मीनिंग मेन चीज मैं इसका एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की बात करें तो ऐसी कौन सी आइडियाज़ थी जिसके वजह से हमारा सोशोलॉजी आया एक सब्जेक्ट आया ठीक है तो आइडिया इस सब्जेक्ट के पीछे यह था कि कुछ सोसाइटीज़ जो थी कुछ सोशल थिंकर्स थे या कुछ सोशोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं कुछ कुछ होती है प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ जैसे हंटर गैदर्स हो गए और कुछ होती है मॉडर्न सोसाइटीज़ जैसे इंडस्ट्रलाइज सोसाइटीज़ तो ऐसे डिफ्रेंसेज सोसाइटी में आने लगे तो कुछ सोसाइटीज़ बहुत स्पीड से ग्रो होने लग गई राइट right? तो इससे क्या हुआ कि हमारा सब्जेक्ट हम लोग का फोकस बेसिकली हमारा फोकस सोसाइटी पर आ गया कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज होते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज होते हैं इस टाइप की परस्पेक्टिव बनने लगी तो इसलिए हमारा सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हो के गया है जहाँ पर हम लोग फोकस करने लगे सोसाइटी पे और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर जब हम लोग सोसाइटी को समझेंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे लेकिन प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो उसका सोल्यूशन आएगा एज जो है वो ओवरऑल डेवलप करेगी तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करने लगे द एनलाइटनमेंट अब ये एनलाइटनमेंट थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ध्यान से समझ लेना एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है एक ऐसा समय है एक ऐसा एज है जो कि आया था सेवनटीन टू एटीन सेंचुरी के समय में एंड हुआ क्या था यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं यानी कि लोगों में सोचने समझने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली लोग सवाल पूछने लगे चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से समझने की, को की कोशिश करने लगे तो यहाँ से हमारी जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा स्पीड और ग्रोथ पकड़ना शुरू कर लिया था ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट यानी कि मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि ऐसे कौन से मटेरियल इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारा सोशियोलॉजी आया बेसिकली बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे मैंने बोला था नाइनटीन सेंचुरी के आसपास कुछ सोशियोलॉजी बॉन्ड हुआ था hmm. तो उसके आसपास हो क्या रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फिर कैपिटलिज्म हुआ फिर क्या हुआ तुम्हारा यू uh, नो you know, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ एनलाइटनमेंट हुआ ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया जैसे लोग वर्कर्स की तरह काम करने लगे मतलब अचानक से तुम लोग खुद ही सोचो पहले लोग फार्मर्स थे फार्मर्स से वो लोग अचानक से वर्कर्स बन गए अब वर्कर्स भी कैसे बने कि उन्हें मतलब अर्बन एरियाज में जाके शिफ्ट होना पड़ा बहुत बुरी कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता था फिर वहाँ से काम करके निकले तो क्या होने लगे फिर यू नो you know, इनिक्वालिटीज़ उन्हें सोसाइटीज़ में देखने को मिली क्लास सिस्टम आया कास्ट सिस्टम आया ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी राइट तो यहाँ से हमारी सोसाइटी ने एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया था यूँ समझ लो डेवलपमेंट्स हो रहे थे चेंजेस बड़े स्थिर पर हो रहे थे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारी हमारी मेटेरियल इश्यूज थी जिनकी वजह से हमारा सोशोलॉजी की तरफ या सोसाइटी की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित हुआ ठीक है फोकस हमारा गया वाई शुड वी स्टडी द बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ़ सोशोलॉजी इन यूरोप ये तो तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि क्यों हमें यूरोप के ही अंदर पढ़ना पड़ता है मतलब हम लोग क्यों नहीं पढ़ते कि इंडिया के अंदर आ, कैसे हमारा सोशोलॉजी या सोसाइटी आया हम लोग क्यों पढ़ते हैं बिगनिंग और ग्रोथ और सोशोलॉजी इन यूरोप बिकॉज आंसर तुम्हारे सामने है कॉलनिज्म आया कैपिटलिज्म आया इंडस्ट्रियलिज्म आया इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, आया इंडस्ट्रियलिज्म भी आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया एनलाइटनमेंट आया ये सारी चीज़ें तुम लोगों को कहाँ देखने को मिल रही है बेसिकली ये सारी चीज़ें तुम्हें यूरोप में देखने को मिल रही है और इसी रीज़न के वजह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए सोशलॉजी पढ़ना पड़ता है सोशलॉजी यूरोप के कॉन्टेक्सट में यानी कि यूरोप में ऐसे चेंजेस हुए इसलिए ठीक है तो आई होप दिस इज़ क्लियर अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो इंडिया के बारे में भी कुछ बता दो कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है इंडिया के सोशोलॉजिस्ट के बारे में कॉलोनिज्म भी एक रीजन बना जिसकी वजह से सोशोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक कॉलोनाइज हो गया था राइट right? ब्रिटिशर्स के थ्रू जब वो कॉलोनाइज हुआ ना तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारे इंडिया की हिस्ट्री में खिचड़ी कर दिया खिचड़ी कर दिया मतलब वो अपने तरीके से हमारे सोसाइटी को समझते थे और कुछ भी हमारे इंडिया के बारे में लिख के चले गए बट एक्चुअल में तो वो गलत था ये हम जानते हैं काफ़ी इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी आए ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया क्या है वो हम लोग देखेंगे अच्छा तो मैंने जो पार्ट बताया वो इसी के अंदर था बेसिकली या uh, yeah. तो सोशलोलॉजी कैसे इंडिया में आया तो कॉलोनाइजेशन ही एक बहुत ही मेन हिस्सा था जिसकी वजह से हमारा यू नो सोसाइटी के अंदर हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर लॉजी आया ठीक है तो अब क्या है कि हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी गलत गलत चीज़ें लिख दी थी कुछ भी लिख दिया था जो उन्हें समझ में नहीं आता था वो भी सब लिख दिया उन्होंने अपने किताबों में सोशियोलॉजी की किताबों में बट जब हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट डेवलप होकर आए समझदार बन के आए या आए पढ़ लिख के तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि आप लोगों ने हमारे कंट्री के बारे में गलत चीज़ें लिखी हैं तो वो सही चीज़ें छापना स्टार्ट कर दिया स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्या है बेसिकली स्कोप मतलब अगर देखे नहीं जाएँ हम लोग तो स्कोप सोशलॉजी का काफ़ी ज़्यादा ही ही वाइड है यानी कि सोशोलॉजी के अंदर हम लोग किन चीजों पे फोकस करते हैं क्या है जो हम लोग सोशोलॉजी में ब्रॉड टर्म में देखते हैं बेसिकली शॉपकीपर विद अ कस्टमर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स बिटवीन टू फ्रेंड्स और फैमिली क्या इंटरेक्शंस कैसे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं इन लोगों के बीच में और ये नेशनल इश्यूज पे भी फोकस करता है अभी हम लोग छोटे लेवल पे पढ़ेंगे सोशियोलॉजी को उसके बाद हम लोग बड़े लेवल पे पढ़ेंगे जैसे नेशनल इश्यूज भी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या इफेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रूलर इन डेपनेस ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे फिर ग्लोबल सोशल प्रोसेस भी हम लोग यानी कि समाज के अंदर जो ग्लोबल सोशल प्रोसेस है जैसे कि फ्लेक्सीबल लेबर रेगुलेशन ऑन वर्किंग क्लास देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन यंग और एंट्री ऑफ़ फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री इन चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर या पढ़ने वाले भी हैं बेसिकली अगर तुम लोग हायर स्टडीज़ में प्लान कर रहे हो सोशोलॉजी को लेने के लिए तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो ठीक है अब सोशलॉजी की बात करें तो सोशलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डेफिनेटली तो ये है हमारा एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड साइकोलॉजी से कनेक्टेड फिर हमारे इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है हिस्ट्री से कनेक्टेड अब तुम क्वेश्चन करोगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे कनेक्टेड है मुझे भी तो पता चले अच्छा बताती हूँ देखो टेबल्स बना रखे हैं मैंने इन टेबल्स को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि कैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से सोशलॉजी डिफरेंट है ठीक तो है स्टार्ट करेंगे हम लोग इकनॉमिक्स वर्सेज सोशलॉजी तुम्हें क्या लगता है इकोनॉमिक्स में तुम लोग क्या पढ़ते हो अगर जिन लोगों का इकोनॉमिक्स है डेफ़िनेटली तुम्हें क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स तुम लोगों को क्या पढ़ाता है ये नहीं भी है तो तुम लोग गेस कर सकते हो बेसिकली तुम लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में लोग मेनली पैसों के बारे में पढ़ते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करें ये वो हाँ टू समस्टेंट यू आर राइट पैसों के बारे में पढ़ते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज कैसे अलॉट हो यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सर्विसेज होती हैं जो भी सामान वगैरह होता है उसका सप्लाई और उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ठीक है इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यू नो रिलेशनस हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है बेसिकली जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्राइस डिमांड सप्लाई के बारे में मनी फ्लो के बारे में आउटपुट एंड इनपुट रिलेशंस के बारे में और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं टेक्निकल सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इकोनॉमिक्स में साथ ही में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है या उसे समझा जाता है नेमली यू दलोकेशन ऑफ स्कॉर्स गुड्स एंड सर्विसेज विदन सोसाइटी जहाँ पे भी सोसाइटी में ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसज़ की तो उसे कैसे प्रोवाइड किया जाए उससे प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए ये सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो सार निकाले तो इकोनॉमिक्स में मेनली हम लोग प्रॉफिट लॉस और मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं रिलेटेड और सोशोलॉजी की बात करें तो क्या तुम लोग अब बता सकते हो मेरे समात स्टूडेंट्स कि क्या तुम लोगों ने समझा तो बेसिकली सोशलॉजिकल अप्रोच या सोशलॉजी स्टडी क्या करता है समाज को करता है सोसाइटी को करता है तो तुम लोगों को याद हो गया होगा लुक्स एट इकोनॉमिक बिहेवियर अच्छा तो सोशोलॉजी में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर इन अ ब्रॉडर कंटेक्सट ऑफ सोशल नॉर्म वैल्यूज एंड प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट अब इसका क्या मतलब है बेसिकली इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सोशोलॉजी में तुम लोग पढ़ते हो कि कौन कौन सी सोसाइटी में ज़रूरत है एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की तो अगर इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी के अंदर भी इकोनॉमिक्स लोगों को पढ़ना है तो ये चीज़ें तुम लोग ले सकते हो सोशलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स आई गएस लिया जाता है तो उसमें तुम लोग मेनली पढ़ सकते हो अबाउट दिस अप्रोच ठीक है सोशलॉजी अनलाइक इकोनॉमिक्स यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशंस ठीक है ये समझ में आ गया इंकरजेज अ क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सोशलॉजी में हम लोग क्वेश्चनिंग्स पे ध्यान देते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं एज इकोनॉमिक्स में हम लोग टेक्निकल सोल्यूशनस प्रोवाइड करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता जैसे हम लोग सोशलॉजी में करते हैं सोशलॉजी में हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं अंडरस्टैंडिंग एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिफोर या राइट नाउ ऑल्सो अब हम लोग आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं जैसे कि मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो कि सोसाइटी में रन कर रहे होते हैं वहरा सोसाइटी में हम लोग सॉरी uh, सोशलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सोसाइटी कैसे uh, मतलब क्या डेफिनेशन तो लिखा हुआ है बट सोशलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते क्या है सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी सोसाइटी uh, को राइट इन अ ब्रॉडर सेंस फ़ोकस हमारा कहा जाता है सोसाइटी पे एज पोलिटिकल साइंस में हमारा फोकस गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं ज़्यादातर पोलिटिकल साइंस में हम लोग पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगेन पढ़ते हैं एंड सोशियोलॉजी में हम लोग सोसाइटीज़ और सोसाइटीज़ के टाइप और सोसाइटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं पोलिटिकल साइंस जो है एक बहुत ज़्यादा नैरो फील्ड है बहराज एज ही जो है वो ऑल काइंड ऑफ सोसाइटी को के साथ डील करता है पॉलिटिकल साइंस में हम लोग मैन को एक पॉलिटिकल एनिमल की तरह देखते हैं वैर एज सोशल सोशोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं ह्यूमन्स को एज अ सोशल बींग देन पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा यू नो स्पेशल साइंस है बिकॉज इट कंक्रीट्स ओनली ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप्स विच आर पोलिटिकल इन कैरेक्टर यानी कि पोलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं इंसान की एक इंसान की दूसरे इंसान से उस पर हम लोग ध्यान देते हैं वेर एज अगर सोशलॉजी की बात करें तो सोशल इंट्रैक्शन कैसा है ह्यूम्स का एक दूसरे के बीच जैसे शॉपकीपर से कस्टमर के बीच या फिर फैमिली मेम्बर्स में मम्मी का पापा के साथ भाई का बहन के साथ ऐसा करके लिए हम लोग किन चीज़ों के बारे में पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ ओके सो पॉलिटिकल साइंस जो है वो ओल्डर साइंस है कंपैरेटिवली एंड इट हैज़ सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री बहुत सारी हिस्ट्रीज इसमें मिलती हैं एज सोशोलॉजी जो है वो अभी अभी जस्ट क्वाइट यंग है एंड इट हैज़ नॉट इट इज़ नॉट इवन टू सेंचुरीज़ ओल्ड ठीक है यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री वर्सेज सोशोलॉजी कैसे हिस्ट्री और सोशोलॉजी डिफरेंट है तो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं हिस्ट्री में हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं कि कौन से इंसिडेंट कौन सा इवेंट अभी हुआ और कौन सा इंसिडेंट कौन सा इवेंट पास्ट टाइम में होकर आया हुआ बेसिकली हम लोग पास्ट टाइम पे फोकस करते हैं वैराज सोशलॉजी में हम लोग क्या फोकस करते हैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री मतलब बायोग्राफी और तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ठीक है तो हम लोग सोसाइटी में हम लोग ध्यान देते हैं एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं वेराज हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं पास्ट को पढ़ते हैं थ्रू अ पैटर्न कॉज एंड इफेक्ट्स हिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं पास्ट पीपल और उनके सोशल लाइफ को वेर एज सोशोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं प्रेजेंट सोशल फिनमना जो कि अभी सोसाइटी में रन कर रहा होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में एनालिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बारीकी को में चीज़ों को समझते हैं वेर एज सोशलॉजी में भी एनालिटिकल स्टडी ही हम लोग करते हैं सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा इन डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री जो है कलेक्शन है ऑफ फैक्ट्स एविडेंस एंड कॉन्सिक्वेंस स्टडिंग ऑफ मटेरियल डन इन हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई होती हैं उसके सबूत को उनके तथ्यों को हम लोग पढ़ते हैं और सोशोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स सिंपली सॉरी सोशोलॉजी में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं समाज को समझने के लिए ठीक है अब तुम लोगों को याद ही हो गया होगा सोशलॉजी क्या होता है राइट अब तक तो सोशलॉजी का डेफिनेशन याद हो गया है सोशलॉजी इज इक्वल टू समाज की स्टडी राइट तो अब हम लोग साइकोलॉजी और सोशलॉजी में डिफरेंस निकालेंगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है बेसिकली मेरे साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ साइकोलॉजी में किन चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं आई होप लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिया होगा मुझे सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया होगा आंसर तो आंसर क्या है साइकोलॉजी में हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली अपॉन इंडिविजुअल बिहेवियर कि हमारा बिहेवियर कैसे है वाइल्ड सोशोलॉजी में हम लोग किन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि समाज के अंदर इंसान का बिहेवियर कैसा है अपने पेरेंट्स के साथ अपनी टीचर के साथ अपने यू नो फ्रेंड्स के साथ उनके रिलेशन्स कैसे हैं समाज में एक पर्टिकुलर इंसान का रिलेशन समाज में कैसा है यहाँ ये हम लोग फोकस करते हैं सोशोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी में हम लोग मेंटल प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन एक्सपीरियंसिस पे ध्यान देते हैं वह सोशोलॉजी में हम लोग सोशल प्रोसेसिस पे ध्यान देते हैं साइकोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच रखते हैं एक इंसान को पढ़ रहे होते हैं राइट right? उसके माइंड उसके बिहेवियर उसके एक्सपीरियंस को पहले सोसाइटी में हम लोग सोसाइटी के सोशल अप्रोच को पढ़ते हैं एक सम, एक ही व्यक्ति है बट हम लोग सोशल अप्रोच यानी कि समाज में कैसे वो पर्सन रहता है क्या उसका जीवन जीवन शैली है वो सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं साइकोलॉजी जो है वाइड यूज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स का लैब एक्सपेरिमेंट्स का लो या एक्सपेरिमेंट्स का वेर आज सोसाइटी जो है वो खुद में एक एक्सपेरिमेंट फील्ड है सोसाइटी सोशोलॉजी uh, के लिए ठीक है सो सोसाइटी इज़ मेरली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स सोसाइटी बनता किससे है इंडिविजुल से बनता है और इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोसाइटी यहाँ पे साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल से बन के मिल बन के बनता है एज यू नो बहुत सारे बहुत सारे लोग जब साथ में आते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसे सोसाइटी कहते हैं पर एज सोशोलॉजी क्या बोलता है कि इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यानी कि एक सोसाइट है जिसमें ये इंडिविजुअल जो है ये एक मेम्बर जो है वो वहाँ का मेम्बर है सोसाइटी का ठीक है ये हम लोग फोकस करते हैं टू डिफरेंट थिंग्स हैं यहाँ पर दो डिफरेंट व्यूज हैं यहाँ पर ठीक है, है, पे, है पे, तो ये हो गया साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी अब क्या है लास्ट है कि कैसे साइकोलॉजी सॉरी uh, कैसे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट है एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कैसे पुरानी यू नो प्रिमिटिव सोसाइटी थी कैसे अभी की मॉडर्न सोसाइटी है वो सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान दे रहे मतलब सोसाइटी को ही पढ़ते हैं बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट वेर एज सोशोलॉजी में हम लोग समाज को पढ़ते हैं बट मॉडर्न और सिविलाइज तरीके से या मॉडर्न और सिविलाइज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ह्यूमन प्रिमिटिव कल्चर्स ह्यूमस के पहले के तौर तरीक़ों को फोकस करता है एंथ्रोपोलॉजी वह आज सोशोलॉजी की बात करें तो वो फोकस करता है मैरिज फैमिली प्रो और इस टाइप की प्रोसेस सोशल प्रोसेस को पढ़ता है कौन से प्रोसेसेज जो मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट करते हैं राइट एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यूजली वो कॉन्सनट्रेट करता है छोटे छोटे सोसाइटीज़ पर वहराज सोशोलॉजी पर हम लोग ध्यान देते हैं स्मॉल एज वेल एज लार्ज सोसाइटीज़ पर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं मेनली सोसाइटी को ही पढ़ रहे होते हैं बट एक छोटे लेवल पर वह सोसाइटी को यहाँ पे सोशोलॉजी में हम लोग ब्रॉड लेवल पे ब्रॉड सेंस पे पढ़ रहे होते हैं विथ एक्सपेरिमेंट्स इन्वेस्टिगेशन्स एक्सेट्रा तो यहाँ पे होता है तुम लोगों का चैप्टर ख़त्म एकदम थैंक यू वेरी मच जो भी स्टूडेंट्स मेरे एंड तक बने रहे उनको थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर तुम्हें ये पीपीटी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है और मेरे एफ बी पेज को भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो एज यू विश ठीक है कोई फोर्स नहीं है बट स्टिल टिल देन टेक केयर बाय मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो